हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आप सबके साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो शेयर नहीं कर रही हूं। आज मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूं सूखे समोसे, जो कि उड़द दाल से मैं बना रही हूं। किस तरीके से मैं बनाने जा रही हूं वही मैं शेयर करूंगी। और होली पे आप भी अपने घर में प्लीज इसको ट्राई करें एक बार। और इन समोसों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे कि बाजार में जो सूखे समोसे मिलते हैं वही मैं घर पे बना रही हूँ। बाजार से कुछ अलग रहेगा इसका टेस्ट, और इसको आप 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी कुछ मीठे साखे, जो कि चीनी और गुड़ के होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने देखे आटा गूंद करके रख लिया है। ये मेरा सूखा आटा है जो कि प्लेन आटा है। इसमें सिर्फ मैंने मीठा सोडा डाला हुआ है और एकदम देखिए टाइट डो मैंने तैयार किया हुआ है। ये मेरा मीठे साखे के लिए है, जो कि मैं गुड़ और चीनी से बनाऊंगी। इसको मैंने सान करके रख दिया है। और ये है मेरा समोसे के लिए डो, जो कि एकदम नरम देखिए मैंने कड़ा करके साना हुआ है। ये भी एकदम कड़ा है। इसमें मैंने डाला है अजवाइन, मंगरेल और थोड़े से और नमक और वो क्या बोलते हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मीठे साखे बना लेंगे। मीठे साखे में क्योंकि नमक नहीं पड़ा है तो उस तेल को हम पहले यूज कर लेंगे, क्योंकि उस तेल को यूज करने के बाद हम फिर उसमें समोसे फ्राई कर लेंगे। इससे हमारा तेल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने गुड़ रख दिया है। देखिए तीन मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, 3 गटका गुड़ का है और आधा गिलास यानी कि छोटा कप जो होता है उससे मैंने इसमें पानी डाला है। अगर आप पानी ज्यादा डाल दोगे तो गुड़ गाढ़ा होने में टाइम लगेगा। तो अब ये धीमी आंच पे गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए एकदम, और ये धीमे धीमे अपना गाढ़ा होता रहेगा। उसके बाद एक तरफ हम चीनी की चाशनी तैयार कर देंगे 3-4 तार की। तो उसके लिए भी हमें लेना पड़ेगा, सिर्फ पानी लिया हुआ है, 1 छोटा कप पानी है ये करीब 1 कटोरी चीनी। ये भी हम कम फ्लेम पे करके इस तरीके से छोड़ देंगे। ये भी धीरे धीरे अपना होगा। एक तरफ मैंने यहाँ पे चीनी की चाशनी चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने यहाँ पे गुड़ की चाशनी होने के लिए रख दी है। तो अब ये धीरे धीरे होता रहेगा। यहाँ पे ये मैंने अपना आटा लिया हुआ है, जो कि मैंने देखिए एकदम सॉफ्ट गूंदा हुआ है, बहुत कड़ा भी नहीं है, बहुत मुलायम भी नहीं है, ये एकदम सादा आटा है। बस इसमें मैंने मीठा सोडा डाला हुआ है और थोड़ा सा मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। उसके बाद इसको हम थोड़ा मोटे मोटे साखे जैसे कि बना लेंगे, थोड़ी मोटी लोई से। ये इतना आटा है कि दोनों में मेरा बन जाएगा, मतलब गुड़ वाले साखे भी बन जाएंगे और चीनी वाले साखे भी बन जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये इतना मोटा इसको मैंने रखा है। अब इसको हम चाकू से काट देंगे। शेप आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं जो नॉर्मल शेप बाजार में भी इसी शेप का मिलता है वही शेप काट रही हूँ। हमें डीप फ्राई करना है इसलिए ऑयल थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ेगा। इसमें मैं प्लेन साखे पहले फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद इसी में समोसे फ्राई कर लेंगे। क्योंकि अगर समोसे पहले फ्राई कर लेंगे तो फिर इसमें क्या है, नमक आ जाएगा तो वो थोड़ा मीठा हो जाए, मतलब नमक आ जाएगा तो मीठे में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले मैं ये प्लेन साखे जो है वो तल ले रही हूँ, उसके बाद नमक वाला भी इसी ऑयल में तल लेंगे। और इधर देखिए मेरा ये गुड़ का सिरा तैयार हो रहा है, धीरे धीरे अभी हो जाएगा अपना। और इधर मेरा ये चीनी वाला सिरा तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने सारे आटे के एक साथ गाँट के रख लिए हैं। अब हम इसको तल लेंगे। आपकी कढ़ाई में अगर इकट्ठे आ जाए तो आप इकट्ठे तल लें, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा डाल के देख लें। मीडियम फ्लेम पे तलिएगा, क्योंकि ये थोड़े मोटे हैं इसलिए ये कच्चे भी रह सकते हैं। होता रहेगा। इधर मेरा चाशनी भी देखिए
धीरे धीरे हो ही रही है ये, अभी और गाढ़ी होगी ये, अभी ये एक तार की नहीं बनी है। और यहाँ पे देखिए ये सिरा हमारा चीनी का है, ये भी लगभग ये चीनी का सिरा जो है हमारा तैयार होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये हमारा बन चुका है, अब हम इसको एक पहले प्लेट में खाली कर लेंगे और आधा आधा डिवाइड कर लेंगे फिर, ताकि आधा सिरे में और आधा गुड़ वाले सिरे में हम इसको डाल के मिला लें। इस परात में इसका आटा गूंदा था उसी में मैं इसको खाली कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने अपना पूरा निकाल लिया है, इतना बना है मेरा ये। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना ये इसमें जमता जाएगा और पूरा गुड़ जो है अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएगा, खाने में टेस्टी लगेगा ये। ये वाला भी देखिए मेरा बनके तैयार हो गया और ये गुड़ वाला भी बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूंगी, बहुत ही थोड़ा, एक चम्मच करें। पैन अच्छी तरीके से गर्म हो गया, अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। ठंडा हो गया पूरी तरीके से, इसको हमें हाथ से थोड़ा इस तरीके से, ये सॉफ्ट थोड़ी सी भून के रखी थी, इसको अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा कूट लिया है दरदरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, पतंजलि की हींग है ये, थोड़ा धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार आप डालें, क्योंकि इसके आटे में भी नमक है तो इसलिए नमक आप इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के डाल लें। उसके बाद देखिए ये हमारा मिक्सचर तैयार है, इसको बहुत हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेना है। वो समोसे बनाने हैं तो सबसे पहले हमें देखिए लोई को इसके किनारे पे पानी नहीं लगाने को जाए, पूरे में पानी लगाऊंगी देखिए इस तरीके से, और पहले समोसे का शेप दे देंगे उसके बाद इसमें भरेंगे, क्योंकि वो जो है बैटर जो है इसका वो सूखा है तो अगर पहले से भरेंगे ना तो वो गिर जाएगा बाहर, इसलिए ऐसे पहले मैंने इसको बना लिया इसका अच्छे से, उसके बाद एक एक करके इसमें भरते जाएंगे। उतना ही भरिए जितना कि वो फटे ना, अगर फट जाएगा ना तो पूरा तेल खराब कर देगा ये, इसीलिए उतना ही भरिए जितना कि फटे ना। इस तरीके से थोड़ा सा इसी तरह से दूसरा भी बना देते हैं। कुछ समोसे मेरे देखिए तैयार हो गए हैं और कढ़ाई का तेल भी गर्म है, तो अब हम इसको इसमें डालेंगे, कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके।
और ये मेरे इधर पीछे कपड़े में पोंछ रहे हैं हाथ। क्या खाया आपने अभी? समोसा? समोसा कैसा बनाया है मम्मी ने? अच्छा समोसा बनाई है मम्मी? बताओ पहले, बताओ पहले, बताओ मम्मी कैसा समोसा बनाई है? अच्छा बनाई है? अभी गोदी लेती हूँ, रुको अभी लेती हूँ।